कहते हैं कि यहाँ पर रोज रात को आज भी स्वयं कान्हा जी और राधा जी आते हैं, इसीलिए शयन आरती के बाद उनके लिए बिस्तर लगाया जाता है। साथ ही भोग स्वरूप यहाँ पर पेड़े, मिठाई, पान आदि रखा जाता है, जो कि रोज सुबह आधा खाया हुआ मिलता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं वृंदावन मथुरा। अंकुर जी हाय, ईशु भैया हाय, विभू हाय। तो आप लोग हमारा व्लॉग लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम जाएंगे वृंदावन की गलियों में और आपको भी दर्शन कराएंगे बांके बिहारी जी के। अलीगढ़ से हमें मथुरा जाने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, तो ये हमारा गुड लक है कि आज हम लोग दर्शन के लिए निकले हैं और आज का मौसम भी बहुत औसम है। अब हम लोग मथुरा में एंटर कर चुके हैं और ये है यमुना मैया। आप सब लोग भी दर्शन कर सकते हैं यमुना मैया के। तो बोलिए यमुना मैया की जय। बारिश का मौसम है तो यमुना जी भी अपने उफान पर हैं, पानी का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब हम एंटर कर चुके हैं मथुरा के कैंट एरिया में, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में यहाँ पर परिक्रमा लगाई जाती है, इस वजह से यहाँ पर रश थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। परिक्रमा होने की वजह से यहाँ पर रूट्स भी डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। यहाँ पर कैंट एरिया में सभी वॉल्स को पेंट किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि जो पेंटिंग है वो बहुत ही खूबसूरत है, तो इसे कैप्चर करना तो बनता है। विवो को स्पेशली ये पेंटिंग्स बहुत पसंद आई, वो बहुत ही एक्साइटेड हुआ इन्हें देखकर। अब टाइम हो चुका है लंच का और भूख भी बहुत लगी है, तो हम चलते हैं कुछ खाने के लिए, इसलिए हम एंटर कर रहे हैं ब्रजवासी में। यहाँ पर मथुरा में काफ़ी जगह है तो आप कहीं भी ब्रजवासी को विजिट कर सकते हैं। तो अब चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर मायशा अपने मामा के साथ बिजी हैं एंड दे थॉट कि मैं यहाँ पर उनकी पिक क्लिक कर रही हूँ। एंड हियर यू कैन सी दिस इज़ द इनसाइड व्यू ऑफ ब्रजवासी, फैमिलियर एंड काम एटमोसफियर सो दैट यू कैन इन्जॉय योर मील। हमारा ऑर्डर आ चुका है, यहाँ पर है चॉको ट्रिफल पेस्ट्री जो कि स्पेशली विवो ने अपने लिए मंगा। हमने ऑर्डर किया है मसाला डोसा और साथ ही हमने ऑर्डर किया है पाव भाजी, साथ ही हमने ऑर्डर दिया है आलू नान जो कि अभी आने वाला है। हम लोगों ने लंच फिनिश कर लिया है और अब हम निकल चुके हैं। अब हम जाएंगे सबसे पहले होटल, होटल में चेक इन करेंगे और उसके बाद हम लोग तैयार होकर जाएंगे मंदिर दर्शन के लिए, क्योंकि अभी इस टाइम पर सभी मंदिर के जो कपाट हैं वो बंद होंगे। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं श्री कृष्ण नगरी में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली का लोटस टेम्पल तो आपने देखा होगा, ये देखिए ये है यहाँ का लोटस टेम्पल। हम लोग एंटर कर चुके हैं ओमैक्स एटर्निटी वृंदावन में और हमारा जो होटल है वो है आनंदम क्लार्क्स इन। हमारा जो होटल है वो ओमैक्स एटर्निटी के अंदर ही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ओमैक्स का व्यू और इस पर मैं पूरा एक अलग से व्लॉग डालने वाली हूँ, तो उसे आप ज़रूर देखें, क्योंकि ओमैक्स एटर्निटी में ही हमारी जो एक्ट्रेस हैं हेमा मालिनी जी उनका घर है, तो उसके लिए आप नेक्स्ट व्लॉग को ज़रूर देखें। उस व्लॉग में हम आपको ओमैक्स के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं और उसी में आप देख सकते हैं हेमा मालिनी जी का घर। तो अब हम पहुंचने वाले हैं अपने होटल। अब हम पहुंच चुके हैं आनंदम क्लार्क्स इन। तो जो गूगल पर हम लोगों ने इस होटल की पिक्स देखी थी वो एकदम डिफरेंट है एक्चुअल व्यू से, बट कोई नहीं, अब अंदर चलते हैं और अपने रूम की रिसीव करते हैं और देखते हैं रूम कैसा है। तो ये है इस होटल का रिसेप्शन एरिया। हमने अपने रूम की बुकिंग ऑनलाइन पहले से ही कर दी थी ताकि यहाँ पर हमारा टाइम बच जाए थोड़ा सा, तो बस अब यहाँ पर अपना जो बुकिंग है वो दिखाना है और की रिसीव करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने रूम की तरफ। तो हमें जो रूम मिला है वो गार्नेट में मिला है, लेकिन इस होटल की जो सर्विस है वो बहुत ही गंदी है। प्री बुकिंग करने के बाद भी हमें आधा घंटा वेट करना पड़ा। तो चलिए अब रूम के अंदर चलते हैं। ये है हमारे रूम का इनसाइड व्यू। ये रूम इनका डिलक्स रूम है और आप इसमें देखेंगे कि बहुत ही सिंपल है। वी पेड 5,000 रुपीज़ फॉर दिस रूम ओनली। और यहाँ पर मायशा लेट चुकी हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो टायर्ड हो चुके थे, बस इसी वजह से हम लोगों को होटल में चेक इन करना था।
यहाँ पर है अटैच लेट बाथ जो कि बहुत ही गंदा था, ना ही इसमें आपको हैंड वॉश मिलेगा ना ही सोप मिलेगा। हम लोगों ने कई बार फ़ोन किया रिसेप्शन पर, तब जाकर हमें एक छोटा सा सोप उन्होंने प्रोवाइड कराया, ना ही यहाँ पर बाथ मैट था, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। यह है यहाँ का बालकनी एरिया जो कि कहीं हद तक थोड़ा बहुत ठीक था। अगर आप मॉर्निंग या इवनिंग में टी पीना चाहते हैं बाहर बैठ कर, तो आप यहाँ पर आराम से पी सकते हैं। बाकी 5000 रुपीज़ में ये रूम बहुत ही गंदा था, तो इसका मैं अलग से ब्लॉग बनाने वाली हूँ, उसमें मैं बताऊँगी इसमें क्या क्या कमी थी और इन लोगों की जो सर्विस थी वो कितनी गंदी थी, तो ब्लॉग को ज़रूर देखना। माइंड सेटअप और ख़ुद को एडजस्ट करने के बाद हम लोग रेडी हुए मंदिर जाने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स यहाँ पर क्लिक की। अब हम लोग निकल चुके हैं मंदिर जाने के लिए, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम लोग जाएंगे निधिवन और उसके बाद हम लोग जाएंगे बांके बिहारी मंदिर, क्योंकि निधिवन जल्दी बंद हो जाएगा, इसलिए हम जाएंगे सबसे पहले निधिवन। यहाँ पर विवू और मायशा दोनों ही अपने मामा की गोदी में बैठे हुए हैं और विवू पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो मायशा को सुला सकें, लोरी सुना रहे हैं, बट मायशा है कि सोने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इनफैक्ट वो इंजॉय कर रही हैं विवू के गाने को, यू कैन सी। वृंदावन में छोटे बड़े सभी मंदिरों को मिलाकर इतने मंदिर हैं कि अगर आप चाहें 2 या 4 दिन में सभी मंदिरों के दर्शन करना तो भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। और ये है यहाँ का बस स्टैंड, यानी कि वृंदावन का बस स्टैंड। निधिवन का जो रास्ता है वो काफ़ी पतला है, तो वहाँ पर आप लोग 4-व्हीलर लेकर नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप 4-व्हीलर से आते हैं तो आपको रंग जी पर पेड पार्किंग में अपनी कार को पार्क करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और उसके बाद हम लोग जाएंगे ई रिक्शा से। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ई रिक्शा से जाते हैं तो वो आपको 10-20 पर पर्सन चार्ज करेगा। हम लोग ई रिक्शा में बैठ चुके हैं और हम लोगों ने अपने जो स्पेक्ट्स हैं वो भी उतार लिए हैं। सब लोगों ने अपने जो फ़ोन्स हैं वो भी पॉकेट में रख लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत ही ज़्यादा शैतान है। मैं वीडियो बहुत ही मुश्किल से बना पाई हूँ, बहुत ही छुपा छुपा कर मैंने ये वीडियोस बनाए हैं, तो आप लोग इन्हें लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बंदर हैं वो आपके हाथ से फ़ोन ले जाते हैं, आपकी आंखों से चश्मा उतार कर ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो इसलिए बहुत ही सावधानी से आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो हम लोग निधिवन में एंटर कर चुके हैं, क्योंकि एंट्रेंस पर बहुत सारे बंदर थे इसलिए मैं वीडियो नहीं ले पाई थी, तो चलिए अंदर चलते हैं। ये है निधिवन का वॉकिंग एरिया। यहाँ पर आप दोनों तरफ देखेंगे तो छोटे छोटे से पेड़ हैं। ये जो पेड़ हैं ये तुलसी के पेड़ हैं। इन पेड़ों की एक खासियत है कि ये जो पेड़ हैं नीचे से वो सूखे होते हैं, लेकिन इनके जो पत्ते होते हैं वो हरे रहते हैं हमेशा। कहते हैं कि कान्हा जी आज भी रोज़ रात को निधिवन आते हैं और राधा जी और गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। यहाँ पर ये जो पेड़ आप देख सकते हैं ये झुके हुए पेड़ हैं सारे, और ऐसा माना जाता है कि ये जो पेड़ हैं रात को यही गोपियाँ बन जाती हैं और उसके बाद कान्हा जी गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। इसी वजह से शाम को शयन आरती होने के बाद इस निधिवन में कोई नहीं रुकता है, यहाँ तक कि जो बंदर हैं जो कि पूरा दिन यहाँ पर रहते हैं वो भी रात को यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि जो भी वो रासलीला देख लेता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। तो आप देखेंगे ये सभी तुलसी के पौधे हैं जो कि झुके हुए हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये स्वयं गोपियां हैं। इस निधिवन में 2 से 3 मंदिर हैं जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ एक ऐसे कुंड का जो कि खुद कान्हा जी ने अपनी बांसुरी से बनाया था। कहते हैं कि जब राधा जी और गोपियों को प्यास लगी थी तब खुद कान्हा जी ने अपनी बांसुरी से इस कुंड को बनाया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आज भी पानी है, यानी कि ये सूखा नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। निधिवन के इन तुलसी के पेड़ों को आप और भी पास से देख सकते हैं। अब हम आपको दर्शन कराएंगे रंग महल के। यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने जितना हो सका उतना कोशिश की है वीडियोस कैप्चर करने की, फ़ोटोज़ कैप्चर करने की। आप यहाँ पर रंग महल में भोग में प्रसाद चढ़ा सकते हैं और राधा रानी के लिए श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। कहते हैं कि इस रंग महल में कान्हा जी और राधा जी आज भी वास करते हैं, इसीलिए शयन आरती के बाद यहाँ पर इनके लिए बिस्तर लगाया जाता है जो कि रोज़ सुबह अस्त व्यस्त मिलता है। भोग स्वरूप पेड़े पान आदि रखे जाते हैं, साथ ही यहाँ पर दातुन भी रखा जाता है, राधा रानी के लिए श्रृंगार भी रखा जाता है।
जब पुजारी जी सुबह इस मंदिर के पट खोलते हैं तो इसमें से पान पेड़े आदि खाए हुए मिलते हैं, दातुन भी आदि चबाई हुई मिलती है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा जी आज भी वास करते हैं। रंग महल के दर्शन करने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग एक और मंदिर में दर्शन करते हैं जहाँ पर कान्हा जी की जगह राधा जी बांसुरी बजाते हुए दिखती हैं। आप सब लोग भी देख सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं इस मंदिर का। ये भी अपने आप में एक अनोखा व्यू है क्योंकि अब तक आपने सिर्फ कान्हा जी को बांसुरी बजाते हुए देखा होगा। ये है तुलसी जी का एक पेड़ जो कि अंदर की तरफ है, तो इसके भी दर्शन करने बनते हैं। इसके बाद हम लोग निकलते हैं इस निधिवन से। हम लोग निधिवन के दर्शन कर चुके हैं तो अब हम जाएंगे बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग पैदल ही निकल चुके हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। आप चाहें तो यहाँ से कोई भी ई रिक्शा पकड़ सकते हैं या फिर रिक्शा पकड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से पैदल ही निकल चुके हैं। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट व्लॉग के लिए। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दर्शन कराऊँगी बांके बिहारी जी के।